आपका पहला सवाल है, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भास्कर द्वितीय, बी रिसोर्स सेट वन, सी एप्पल या डी मैट सेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैट सेट। मैट सेट भारत का पहला मौसम उपग्रह था। आपका अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस या डी चीन। अगर दोस्तों आपको दिए गए प्रश्न में से किसी का भी उत्तर पहले से पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में रूस की सहायता से भेजा था। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1916, बी वर्ष 1917, सी वर्ष 1918 या डी वर्ष 1915। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1915 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपको ऑप्शन है ए विनायक सावरकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। अगर दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी सावरकर। आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी दयाराम साहनी, सी ए जी मजूमदार या डी ध्रुवे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। आपका अगला सवाल है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अशोक। रांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपको ऑप्शन है ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती या डी सारनाथ। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले से पता है अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पुष्यमित्र, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या डी कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका या डी ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका तीनों देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। आपका अगला सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यजुर्वेद,
ऋग्वेद, अथर्ववेद या डी सामवेद। आपका सही जवाब है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।